नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है केकेआर के फैंस के लिए कि क्या श्रेयस अय्यर आईपीएल 2024 से वापस से डाउटफुल है, क्या वापस से वो आईपीएल से बाहर हो गए इंजरी के चलते, क्या वो टेस्ट सीरीज में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सारी डिटेल आप सभी को इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग आईपीएल के फ़ैन हो सबसे पहले सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। तो यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं अय्यर के साथ में। देखिए दोस्तों, हमारे पास रिपोर्ट आई है कि श्रेयस अय्यर को जो है ना बैक इंजरी प्लस ग्रोन इंजरी, ग्रोन इंजरी मतलब कि जो अय्यर का इनर थाइज है ना वहाँ पे उनको पेन हो रहा है, और उनको बैक की स्टिफनेस है, मतलब कि उनको बैक इंजरी प्लस जो उनके थाइज की इंजरी है ग्रोन इंजरी, वो अय्यर को देखने को मिल रही है, वहाँ पे उनको पेन हो रहा है। इसके चलते श्रेयस अय्यर जो है वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यानी कि जो बाकी बचे हुए टेस्ट मैच है इसके अंदर खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। यहाँ पे उसको समझने वाली बात यह है कि क्या अय्यर को सच में इंजरी हुई है या फिर अय्यर को उनके ख़राब फॉर्म के लिए ड्रॉप किया जा रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने ऐसी अपडेट दी है कि अय्यर को इंजरी हुई है, इसके लिए हम उनको मतलब कि स्क्वाड में नहीं लेंगे। लेकिन हमको ये बात ही पता है कि अय्यर का जो फॉर्म है वो कुछ खास नहीं चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये एक और वजह हो सकती है कि अय्यर का ख़राब फॉर्म होने के चलते अय्यर को ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन भाई, इतने बड़े प्लेयर की आप इंजरी की रिपोर्ट गलत तो नहीं दोगे? तो मुझे लगता है अय्यर को सही में इंजरी हुई है। तो अब सवाल रहता है कि क्या अय्यर आईपीएल खेलेंगे। देखो दोस्तों, अय्यर फिलहाल केकेआर के कप्तान हैं, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी है। हालांकि जो उनकी इंजरी है वो दो इंजरी है, एक उनको बैक इंजरी है और एक ग्रोन इंजरी है। तो दोनों इंजरी से रिकवर करना, टाइम पे ट्रेनिंग करना, टाइम पे केकेआर के लिए अवेलेबल रहना, ये बहुत ही एक कठिन काम होने वाला है अय्यर के लिए। लेकिन हमको पता ही है अय्यर इंजरी से जूझ रहे हैं, लेकिन वो रिकवर कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर उससे मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले यार, अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हो, चाहते हो आप सभी तक क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले पहुँचे, तो आप सभी को सिर्फ एक काम करना है, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करोगे? मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करो। या फिर आप लोग आपके टेलीग्राम के ऐप पर जाओ, ऊपर आप सभी को सर्च करना है क्रिकेट विद पवन, और उसको याद से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं मेरे फाइनल अपडेट की, क्या केकेआर के लिए अय्यर अवेलेबल रहेंगे। देखो दोस्तों, मेरे से पूछा जाए तो बहुत ही हाई चांस है कि केकेआर के लिए अय्यर अवेलेबल रहेंगे और टाइम पे रिकवर कर जाएंगे और केकेआर की कप्तानी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फ़िलहाल आईपीएल में टाइम है और अय्यर हो सकता है दोबारा से एनसीए में जाए, उनका रिहैब करे, और एनसीए में जो जाता है वो जल्दी से रिहैब करके वापस ट्रेनिंग चालू कर देता है। तो अय्यर मेरे हिसाब से हाई चांस है कि आईपीएल खेलेंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो, मैंने आप सभी को दे दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।